यहाँ तक तो समझ आ गया आपको कि A1 A4 आ चुका है हमारा। तो अभी क्या करेंगे हम, A1 की वैल्यू है हमारे पास A2 A3 A4 A4, क्योंकि हमारा 4 ये वाला 4 है वो बड़ा है 1 से, तो हम क्या करेंगे 4 से बड़ा वाला नंबर इधर लाने का ट्राई करेंगे, समझ रहे हो। तो उसी से हम ग्रिबरेज नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे ना। तो A4 लिया हमने वैसा का वैसा, B ले लिया। A1 की वैल्यू क्या क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, 2 है, ओके 2 वैल्यू ले लो A1 के। A2 A3 एक वैल्यू है A1 की, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है A4 A2 A3 एक वैल्यू है, A4 A4 एक वैल्यू है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे बाद में आगे क्या है A1 के आगे क्या है A4 है, दोनों जगह पे A4 डाल दो। यहाँ तक समझ आ गया आपको, बहुत इजी स्टेप्स है यार, बहुत भाई मैं सबसे मतलब रेक्टिफाई करके एकदम इजी स्टेप्स बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक अगर समझ आ गया होगा आपको तो भाई आगे वाला भी कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको, ओके। A4 B A1 A4, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा था हमें, 1 छोटा है 4 से, 1 छोटा है 4 से, हमें क्या चाहिए राइट हैंड साइड बड़ी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड छोटी चाहिए, ओके। पर यहाँ पे वो गलत हो रहा था, तो A1 को हमने रिप्लेस किया ऊपर, उसके वैल्यूज ये वाले जो दो वैल्यूज है वो हमने A1 के जगह पे डाल दिया, A1 के जगह पे दो वैल्यूज डालने, A2 A3 भी डाल दिया, A4 A4 भी डाल दिया, और ये वाला कॉमन A4 है वो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो देखो अभी यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक अगर हम पहुँच गए क्यों कहाँ से पहुँचे हम, ये बी कहाँ से आया, ओके देख लो अभी ये वाला A2 है तो A2 की वैल्यू क्या है बी है, A2 की वैल्यू क्या है B है, तो क्या करेंगे हम B A3 A4 ओके, ये आ गया ग्रिबरिज में, आ गया अपना ग्रिबरिज में, ये भी क्या है ग्रिबरिज में। अभी प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है A4 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 अगर बड़ा रहा या फिर इक्वल रहा तो क्या होता है लेफ्ट रिकर्जन होता है, A4 क्या है हमारा बड़ा है, ओके तो क्या हो गया यहाँ पे लेफ्ट रिकर्जन, और लेफ्ट रिकर्जन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर समझ नहीं आया भाई आपको मर जाना है अपने चिल्लू भर पानी लेके, भेंडी बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत धीरे समझाया मैंने लिटरली 2 स्टेप के लिए ना आपको 8 मिनट लगाया, समझ रहे हो। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार क्वेश्चन में ये जरूर आता है, हर एक एग्जाम में ग्रिबरिज नॉर्मल फॉर्म जरूर आता है, 10 मार्क के लिए आया था मेरे टाइम पे, ओके और गेट में भी ये वाला क्वेश्चन था, तो ध्यान दो ये वाला क्वेश्चन पे, ओके। तो लेफ्ट वाला रिकर्जन हमें मिला है, क्यों मिला है क्योंकि ये A4 A4 इक्वल है, और हमारा रूल क्या बोलता है अगर ग्रेटर और इक्वल रहा, लेफ्ट वाला टर्म ग्रेटर और इक्वल रहा तो क्या है लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट रिकर्जन कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे अगले वाले वीडियो में, उसके लिए भी 2 स्टेप बचे खत्म, पूरा का पूरा ग्रिबरिज नॉर्मल फॉर्म इजीली पूरे इंटरनेट पे आप ढूंढ लो, सबसे इजी यही एक्सप्लेनेशन है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बाय बाय। यार मैं ना इधर कराची, भैया अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, यार अल्लाह देगा, अच्छा तो मैं कराची आया, अल्लाह देगा तू भी देगा, भोसड़ी के मोबाइल निकाल, बड़ा भाई ये छीन के।